हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अच्छी खबर है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से नए पदों की स्वीकृति मिली है नए पदों का सृजन किया गया है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो तीन पदों की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है तीन पद नए जो पद हैं उसका सृजन किया गया है साथ ही इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे डेढ़ पदों पर भर्ती के लिए जो है विज्ञापन निकला है एक पदों पर भर्तियाँ होंगी कौन कौन सा ये पद और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बने रहिएगा वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लेटर है छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं प्रति कलेक्टर और यहाँ पर जिलों के नाम दिया गया है इन जिलों के कलेक्टर को ये जो है सूचित किया गया है जारी किया गया है विषय तेईस नवीन तहसील कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु इसको जारी किया गया है तो देख सकते हैं यहाँ तेईस जो नवीन तहसील कार्यालय है वहाँ जो है नए नए पदों का सृजन किया गया है कौन कौन से हैं ये पद सबसे पहले जिलों के नाम देख लीजिए यहाँ पर सत्रह जिलों के जो तेईस नवीन तहसील कार्यालय हैं जैसे कि यहाँ पर रायपुर बाजार भाटापारा इसके अलावा महासमुंद गरियाबंद राजनांदगांव धमतरी इस जैसे जो है तेईस जो है सत्रह जिलों के तेईस अलग अलग तहसील कार्यालयों में इन पदों का जो है सृजन किया गया है ये पद की भर्ती इन तहसील कार्यालयों के लिए किया गया है कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ नीचे तीन सौ बाईस पद यहाँ हैं और भी जो बचे हुए पद हैं उसकी जानकारी अभी आगे दी जाएगी जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन पद हैं कौन कौन से हैं ये पद यहाँ पर तहसीलदार नायाब तहसीलदार और इसके अलावा नायाब नाजिर वासिल बाकी नवीस कानूनगो सहाय ग्रेड दो सहायक नायाब नाजिर सहायक वासिल बाकी नवीस सहाय ग्रेड तीन इसके अलावा वाचक तहसीलदार सहाय ग्रेड तीन स्टेनोटाइपिस सहाय ग्रेड तीन सहायक कानून गो सह ग्रेड तीन वाहन चालक भर्ती इस तरह के जो अलग अलग पद हैं एक तहसील कार्यालय के लिए चौदह पदों का सृजन किया गया है तो इस तरह से सभी तहसील कार्यालयों को यानी कि जो तीस तेईस तहसील कार्यालयों के लिए भर्ती निकली हुई है उसमें कुल मिलाकर के तीन सौ बाईस पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है ठीक है तो यहाँ पर ये जो भर्तियाँ हैं वो अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से होगी ये मत समझिएगा कि जो पूरी जो तीन सौ बाईस पद हैं वो एक ही वैकेंसी के माध्यम से पूरी भर्ती नहीं होगी बल्कि अलग अलग वैकेंसीज के माध्यम से होगी जैसे कि यहाँ पर जो तहसीलदार की वैकेंसी है वो सी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा ली जाती है उसमें इसकी भर्ती की जाती है इसके अलावा जो सहायक ग्रेड दो सहायक ग्रेड तीन है उसकी अलग से वैकेंसीज आती है सहायक ग्रेड दो जो है वो प्रमोशन का पद होता है सहायक ग्रेड तीन के लिए वैकेंसी आती है तो कुछ भर्तियां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी जैसे कि वाहन चालक भृत्य और कुछ भर्तियां इसमें प्रमोशन के भी पद शामिल होते हैं उसी तरह दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे लेटर में आप देख सकते हैं इसमें ग्यारह नवीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय हेतु पद का सृजन किया गया है और इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है इसमें आप देख पाएंगे कि सात अलग अलग जो है कार्यालय हेतु यहाँ पर कुल मिलाकर के 77 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं तो 322 पद उसमें थे और 77 पद इसमें हैं कुल मिलाकर के तीन सौ निन्यानवे पदों का नया सृजन किया गया है और उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है इसमें आ, कौन कौन से पद हैं यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी सहायक ग्रेड दो सहायक ग्रेड तीन स्टेनोटैपिस्ट वाहन चालक धृत्य इत्यादि पदों के लिए इसको जो है स्वीकृति दी गई है और जैसे कि मैंने बताया अलग अलग वैकेंसीज के माध्यम से इसकी भर्तियाँ होती हैं जैसे कि ये जो पहले नंबर पर डिप्टी कलेक्टर की भर्ती है वो सी सी जो राज्य सेवा है उसके वैकेंसी में इसकी भर्ती होगी और सहायक ग्रेड तीन व्यापम के द्वारा इसकी भर्ती होती है और वाहन चालक और वृत्त की वैकेंसी किसी विभाग के द्वारा या फिर जो है डायरेक्ट विभाग के द्वारा भी ली जा सकती है और किसी परीक्षा लेने वाली संस्था के द्वारा भी इसकी भर्ती कराई जा सकती है तो इस तरह से अलग अलग वैकेंसीज़ के माध्यम से ये जो पूरी तीन पदों की भर्ती है वो आप लोगों को अलग अलग समय पर देखने को मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आई हुई है जिस वैकेंसी के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्लेसमेंट के जरिए इसकी भर्ती होगी सबसे सब पहले सौ पदों की जानकारी देखिए बड़ी कार कंपनी में भर्ती के लिए कल प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा ठीक है कल यहाँ पर यानी कि 16 नवंबर को इसको प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा देश की एक बड़ी कार कंपनी दसवीं पास युवाओं की भर्ती करेगी इसके लिए जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में यहाँ पर देख सकते हैं पता जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में 16 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा इस कैंप का कैंप का समय जो है सुबह दस बजे से दोपहर दो, दो बजे तक रहेगा कुल मिलाकर के सब युवकों की इसमें भर्तियाँ की जानी हैं सौ पद के लिए होगा ये और चयन के बाद उन्हें कंपनी मेहसाड़ा प्लांट में ड्यूटी लगाई जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की ड्यूटी कहाँ लगेगी कंपनी के मेहसाड़ा प्लांट में ड्यूटी लगाई जाएगी इस दौरान हर माह बारह हजार रुपये का स्टाइपेंट दिया जाएगा ये यह यहाँ पर बताया गया है रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि बड़ी कार कंपनी के मेहसाड़ा प्लांट के भर्ती मेहसाड़ा प्लांट में भर्ती के इच्छुक युवा प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50 परसेंट के साथ टेंथ पास यहाँ पर मांगा गया है इच्छुक उम्मीदवार दसवीं कक्षा की अंक सूची आधार कार्ड दो दो प्रतियाँ पासपोर्ट साइज की दो फोटो और ये सभी वहाँ पर ले जाना होगा उम्मीदवारों को अट्ठारह वर्ष से बीस वर्ष की आयु जो है यहाँ पर नियत की गई है तो मिनिमम अठारह वर्ष और मैक्सिमम बीस वर्ष इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क किया जा सकता है तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं जो रायपुर के आसपास के कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर रोजगार कार्यालय रायपुर में भी Osionfish. संपर्क कर सकते हैं उसके बाद नज़र डालते हैं दूसरे जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में तो ये जो दूसरी वैकेंसी है वो जिला रोजगार कार्यालय में तिरपन पदों के लिए कैंप सत्रह को आयोजित की जाएगी ये बिलासपुर की खबर है तो ये तिरपन पदों के लिए इसका जो है रोजगार कार्यालय में इसके लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा ठीक है जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है कैंप में रोजगार कार्यालय कोनी में ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर रोजगार कार्यालय कोनी में सत्रह नवम्बर की सुबह यहाँ डेट सत्रह नवंबर है पिछली जो वैकेंसी थी वो सोलह नवंबर को उसका जो है वहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और इसमें सत्रह नवंबर को दस बजे से लगेगा सुबह दस बजे से तिरपन पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा इसके लिए सभी युवकों को अपने सभी दस्तावेज दसवीं बारहवीं मार्कशीट जाति प्रमाण पत्र दो फोटो के साथ पहुँचना है यह कैंप दो कंपनियों के लिए लगाया जा रहा है इसमें स्नातक डिग्री मांगी गई है एक पद पर एक पद पर टेली कोर्स जरूरी है ठीक है तो अलग अलग पदों के लिए है ये और यहाँ पर जो भी आपके मार्कशीट वगैरह हैं दसवीं बारहवीं के मार्कशीट जाति प्रमाण पत्र दो फोटो के साथ पहुँचना है इसके अलावा स्नातक इस की डिग्री और टैली के कोर्स के लिए टैली कोर्स किसी पद के लिए जो है टैली कोर्स भी यहाँ पर आवश्यक मांगा गया है तो इस तरह से कुल मिलाकर के एक सौ तिरपन पदों के लिए वैकेंसी है जो कि प्लेसमेंट कैंप के जरिए इसकी भर्तियाँ की जाएंगी तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर इन प्लेसमेंट कैंप्स में जा कर के आवेदन कर सकता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर आप लोग पहुँच सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद